हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कॉल एंड आई एम फ्रॉम फिएस्टा ट्रैवल्स। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो आप सबके सामने लेके आया हूँ कि जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना के कारण हम इतना प्रॉब्लम में क्यों आ गए हैं। ऑल तो सबको पता है, वर्ल्ड को पता है कि कोरोना के कारण हम क्यों आ गए, बट कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो चीज़ें आपने नोट की होगी या नहीं की होगी नोट, जो मैंने नोट किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना से हम इतने प्रॉब्लम में क्यों आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट इस वीडियो को थोड़ा मैं शॉर्ट करूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा कि थोड़ा मतलब अपनी चीज़ को जल्दी जल्दी करूँगा। जैसे कि आप एक चीज़ आपने देखी होगी, कोरोना का सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस बंदे को करता है जिसको खुद कोरोना होता है। जिसको खुद कोरोना हुआ वो एक्टिव अटैक में पकड़ा गया, उस बेचारे को कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटल गया तो उसको डायरेक्ट अटैक हुआ। हम लोगों को इनडायरेक्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को क्या हुआ, कोरोना के कारण हमारा जो बिजनेस था वो बंद हो गया, हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो बंद हो गई। तो इस कारण से कोरोना ने हमें अटैक किया। हमें कोरोना डायरेक्ट नहीं हुआ, बट हमें इनडायरेक्ट वे में कोरोना हुआ कि जिसके कारण कोरोना का जो बिजनेस था हमारा या हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो बहुत ज़्यादा रुक गई या रुकी गई बिल्कुल कुछ टाइम के लिए। कई इंडस्ट्री बिल्कुल हिट कर गई, कुछ इंडस्ट्री थोड़ा पार्टली हिट कर गई, कुछ इंडस्ट्री थोड़ा सा स्टेबल है, कुछ इंडस्ट्री बिल्कुल अभी खत्म हो गई। जैसे कि मैं ट्रैवल फर्टिलिटी से हूँ तो अभी हमारी इंडस्ट्री थोड़ी ज़्यादा इफेक्ट की है, क्योंकि हम सबसे पहले इफेक्ट किए थे और हम सबसे बाद में रिकवर करेंगे ट्रैवल फर्टिलिटी। बट हाँ, हमें पता है ट्रैवल फर्टिलिटी दोबारा बहुत अच्छे लेवल पर उठेगी और अच्छे, और आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए ट्रैवल फर्टिलिटी को, कि मतलब आप जैसे सपोर्ट करते वैसा ही सपोर्ट चाहिए, ताकि आपके जितने भी भाई बंधु या आपके जितने भी दोस्त यार ट्रैवल फर्टिनिटी को बिलोंग करते हैं, आप उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ट्रैवल फर्टिनिटी नहीं, बाकी हर फर्टिनिटी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप किसी को सपोर्ट करते हो तो सपोर्ट करने से कभी पीछे मत हटिए। खैर, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों, कि जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम रुक गई, तो इसके पीछे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं कि हम क्यों आज कोरोना से परेशान है। तो आप, मैं वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले ना मेरा पॉइंट है कि हमारे पास नो सेविंग्स, हम लोगों ने अपनी सेविंग्स को एक बहुत लिमिटेड दायरे में रखा था, क्योंकि आप मैं कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगी या बिल्कुल हम घर पे आ जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम कभी तैयार नहीं थे। तो इसी तरीके से हमने कभी अपनी सेविंग्स प्लान नहीं की थी कि हमें ये प्रॉब्लम आएगी। बट मेक श्योर, आज हमें कोरोना ने एक तरीके का आईना दिखा दिया कि ये वक्त दोबारा कभी भी आ सकता है। तो मेक श्योर, आज के बाद जब आप काम पे जाए या कुछ करने जाए, तो मेक श्योर कि जो आपकी सेविंग्स है वो इतनी हो कि आपको दोबारा ये वक्त ना देखना पड़े। ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि हमारी सेविंग्स आज की डेट में उतनी ही थी कि जितना हम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने अपना घर चला सकते हैं या अपना ऑफिस चला सकते हैं। मेरे जितने भी ट्रैवल भाई बहन है जिनकी कंपनी अपनी है ट्रैवल की या रिटेल शॉप है, कोई भी शॉप है, जो मेरे दोस्त है, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम हुई है कि सबके पास एक लिमिटेड फंड्स की सेविंग थी कि जिससे वो अपनी कंपनी को 2 महीने, 3 महीने तक चला सकते हैं बिना सोर्स ऑफ इनकम के। बट कोई भी इस चीज़ से तैयार नहीं था। तो इसके पीछे ना थोड़े बहुत रीज़न होते हैं कि हमने कभी, जब हमारा बिजनेस चल रहा है या हम जब बिजनेस कर रहे हैं या हम जब जॉब कर रहे हैं, तो बिजनेस वालों ने कभी अपने सीए से ये चीज़ डिस्कस नहीं की कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, हमारा कितना खर्चा होना चाहिए, या किसी भी बिजनेस ऑनर ने या किसी भी डायरेक्टर ने कभी ये नहीं सोचा कि क्या मेरे को ये एम्प्लॉय इतने में हायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इससे कम हायर करना चाहिए, या कभी किसी नेगोशिएट नहीं किया किसी चीज़ को। क्योंकि आपको दिखता है कि आपका कैश फ्लो आ रहा है, काफ़ी कुछ पैसा आ रहा है, तो आप उसको यूज़ किए जा रहे हो। तो रोटेशन पे काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोटेशन का काम बंद कीजिए ट्रैवल फर्टिनिटी वाले लोग, बाकी लोग भी रोटेशन का काम बंद कीजिए। आप प्लीज़ मेक श्योर कि जो पैसा आपके पास है उसी में से खर्चा कीजिए। दूसरा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि काफ़ी चीज़ें देखी है, इवन कई बार हम भी यही चीज़ करते हैं, कि मैंने एक चीज़ देखी है, जिन मेरे दोस्तों भाइयों का अपना बिजनेस होता है तो वो अपने जो घर के खर्चे होते हैं वो कंपनी से ले लेते हैं पैसा। इससे क्या होता है कि आपका जो एक बजट बना होता है घर का और जो कंपनी का बजट होता है वो दोनों मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आपका जो घर का खर्चा है उसको घर पे रखिए और जो कंपनी का खर्चा है उसको कंपनी से रखिएगा। आज भी आप ये चीज़ रिग्रेट करेंगे कि अगर आज मैंने वो घर पे खर्चा नहीं किया होता इतने टाइम पहले, तो आज मेरे पास सेविंग अलग होती। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरा, मैंने जॉब करने वाले कई भाई बहनों को देखा है कि जो जॉब करते हैं तो वो प्रेजेंट पे जीते हैं। हम लोग आज की डेट में प्रेजेंट पे जी रहे हैं। हमें प्रेजेंट पे नहीं जीना, हमें फ्यूचर को लेके जीना। हम लोग आज उस तरीके से जी रहे हैं कि आज हमने जो कमाया वो आज के लिए ही है और उसको आज ही हम खत्म करते हैं। हमें थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो मेक श्योर पहले 25 रुपये उसमें सेव करो, उसके बाद 75 रुपये जो बचे उसमें से 25 रुपये कहीं आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो 50 रुपये बचे 50 रुपये में से 25 रुपये अपने घर के खर्चे चलाओ, और जो 25 रुपये रखे वो इमरजेंसी के लिए रखो आप। बट आज की डेट में हम वो नहीं करते। आज की डेट में अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हमारे खर्चे या तो 95 रुपीज़ है या 105 रुपये है। 5 रुपये हम अगले महीने की तनख्वाह के या अगले महीने की सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहते हैं कि 5 रुपये जब आएगा तो हम दे देंगे। इसी को हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है कि आपने जब आज स्वाइप किया तो 30 डेज़ बाद देने, पर मेक श्योर कि आपके पास पैसा तो आ गया देने के लिए, वापस भी तो आपको करना है, किसी और को थोड़ी करना है। तो ये चीज़ को भी आप देख के चलिएगा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो थोड़ा सा अपना हाथ को टाइट रखे चलिएगा कि अपनी, अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप खर्चे कर सकते हैं, बट अगर आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है तो मेक श्योर कि जिसकी इनकम अच्छी है उसके लेवल के खर्चे आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोगों ने टाइमली, जब हमारे पास पैसा था, आपके पास पैसा था, मेरे पास पैसा था, हमारे सब
बिजनेस मैंस के पास पैसा था, तो हमने उसको टाइमली कहीं ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया, हमने कहीं टाइमली अपने कहीं पे भी पैसों की वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि क्या होता है हम पैसा अपना बिजनेस में डालते रहते, तो बिजनेस एक तरीके का अंधा कुआं है, जितना पैसा आप डालते रहोगे वो डालते रहोगे, वापस आपको रिकवरी बहुत कम देगा। हमने कहीं भी सिस्टमेटिकली उसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की, कहीं पर हमने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कहीं पर हमने एसेट्स नहीं बनाए अपने, हर चीज़ पर हमने लाइबिलिटी ज़्यादा पाल ली। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब आपका बिजनेस दोबारा चले तो आप मेक श्योर कि आपकी जो इनकम है ट्रैवल की या किसी भी शॉप की या किसी भी चीज़ की इनकम है, उसका कुछ पार्ट आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये चीज़ का पक्का ध्यान दीजिएगा कि उसका कुछ पार्ट ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। दूसरा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि आजकल की डेट में हम काफ़ी वो चीज़ें खरीदते हैं, घर के लोग मतलब हाउस वाइफ्स हो गई या जेंट्स हो गए या बच्चे हो गए, वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, चीज़ें वो करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, या अगर होती भी है तो हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि मतलब हमें चाहिए वो चीज़ चाहिए, हम अपने माइंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। और कई बार आप भी अपने घर को देखिएगा कि कुछ चीज़ें आपने लेके रखी है शौक में ले ली, बट आई डोंट थिंक सो कि साल में उसको कभी एक बार भी यूज़ किया या दो बार भी यूज़ किया। मैं जस्ट आपको छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने कार ली थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की कार ली थी, मैं कार का नाम नहीं बोलूँगा, वो कार उसको अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 लाख रुपये की पड़ी थी, बट 3 साल बाद उसने एक चीज़ देखी कि उसने सिर्फ और सिर्फ वो कार अब तक 6,000 किलोमीटर चलाई है, सिर्फ 6,000 किलोमीटर, क्योंकि उसको ऑफिस मेट्रो के रास्ते पे, मेट्रो से वो आता है, संडे के दिन थोड़ा चला गया तो चला गया, कहीं वरना नहीं गया। तो अगर उसको बिजनेस ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो 6,000 किलोमीटर अगर आज वो ओला या उबर या किसी और टैक्सी सर्विस में यूज़ करता तो उसका हार्डली 6,000 का आता 1 लाख रुपए, बट उसने कार की इंश्योरेंस पिछले 3 साल से 1 लाख से ऊपर दे दी, उसने कार की सर्विस का पिछले 3 साल से 1 लाख से ऊपर दे दी, प्लस कार की वैल्यू अलग है 7 लाख रुपए की जो थी कार। तो आज अगर मैं देखूंगा उसका कार लेने का डिसीजन थोड़ा गलत था, रादर देन जब उसको पता है कि उसकी चलना कार में नहीं होता। तो आज की डेट में हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ऊबर है, ओला है, कितनी सर्विसेज है, टैक्सी सर्विसेज है, फ्रेंड्स है, कितने लोग हैं। तो अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ की ज़रूरत हमें इतनी नहीं है, फ्रीक्वेंटली ज़रूरत नहीं है, तो रादर देन हम उसको खरीदने से अच्छा उसको रेंटेड कर सकते हैं कि खरीदने से अच्छा, क्योंकि खरीदने पर क्या होता है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है और अगर वो चीज़ आपको रेंटेड मिल रही है तो मेक श्योर वो रेंटेड ले लो। और लोग पता नहीं क्यों शर्माते सेकेंड हैंड चीज़ देने से, तो अगर आपके पास उस चीज़ की जरूरत इतनी नहीं है तो आप उस चीज़ को सेकंड हैंड भी ले सकते हो, कि आपने कभी कभी काम करना है सेकंड हैंड लेके आप उसको काम कर सकते हो, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आपकी कार, आपका घर और या फिर आपकी एक बहुत बड़े महंगे गैजेट्स आपके काम नहीं आएंगे, जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है वो आपके काम आएगा, आपकी सेविंग्स हो गई वो आपके काम आएगा। क्योंकि कहते हैं कि आपने कोई ज़रूरत नहीं है चीज़, अगर आपने वो ले ली चीज़ तो बहुत जल्दी वो टाइम आ जाएगा कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है तो वो चीज़ आपको बेचनी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ आपको ज़रूरत की नहीं है उसको पहले लेने से पहले 3 बार सोच लीजिए, क्या मैं इसके बगैर रह सकता हूँ, क्या ये ज़रूरत इतनी ज़रूरी है, या क्या इसको लेने के अलावा कोई और ऑप्शन है मेरे पास। तो ये 3 चीज़ें देख लेना। दूसरा एक चीज़ और है कि मैंने एक चीज़ और देखी है कि हम लोगों के घर में काफ़ी मैंने देखा है कि एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड अपना जॉब पे जाता है या बिजनेस करता है, वाइफ काफ़ी क्वालिफाइड होती है, काफ़ी उसके अंदर काफ़ी अच्छे स्किल्स होते हैं, काफ़ी अच्छे उसकी अच्छी उसके अंदर एक वो पिछले एक अच्छे जॉब बैकग्राउंड से आई होती है, बट शादी के बाद वो अपने को एक लिमिटेड सोर्स में बांध देती है कि वो घर की चीज़ें करती है, घर का देखती है। घर का देखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा किसी भी लेडी को, बट मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी की पावर है तो आप उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। घर पे बैठने से आपका कुछ नहीं होगा, मैं सभी लेडीज़ को ये बोलना चाहता हूँ कि टेक माय वर्ड्स, घर पे बैठने से कभी कुछ नहीं होगा, घर से बैठने से आप सिर्फ और सिर्फ एक कुएं के मेंढक बन जाएंगे। मेक श्योर कि घर पे बैठ के भी आप दूसरी सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। आज की डेट में काफ़ी ऑनलाइन बिजनेस आ गया, काफ़ी रिटेल शॉप्स अपने जो है ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप अपनी ब्रांडिंग करते हो, यूट्यूब पे ब्रांडिंग करते हो, गूगल पे ब्रांडिंग करते हो अपनी, आप अपने को अमेजोन पे रजिस्टर करते हो, अपने को पेटीएम फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर सकते हो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं जिसमें आप करते हो। कईयों के पास मैंने देखा है, मैंने ऐसी ऐसी लेडीज़ देखी जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, जो मतलब बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बट स्टिल वो खाना सिर्फ घर के लिए बनाती है। मैं उनको अगर एक चीज़ कहता हूँ कि वाई आप ये चीज़ क्यों अपने मतलब ये जो आप कर रहे हो कि ये जो आपके अच्छे स्किल्स है इसको आप क्यों नहीं आप कमर्शलाइज कर रहे हैं, आप खाना बना के क्यों नहीं आप सर्व कर रहे, लोगों को रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोलते। इन्वेस्टमेंट अलग होती है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप बड़ा रेस्टोरेंट खोलते हो, छोटा इन्वेस्टमेंट तो घर से आप होम डिलीवरी कर सकते हो। तो कई तरह के काम होते हैं, देखो वो काम जब आप ढूंढोगे या आप अगर डिस्कस करोगे अपने हस्बैंड से या अपने नोन से किसी से अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से डिस्कस करोगे कि मैं क्या काम कर सकती हूँ तो वो आपको ऑप्शन देंगे। तो मेरे ख्याल से घर पे बैठने से कोई फायदा नहीं होता, आपकी जॉब और आपकी जो एक जॉब कह रहा हूँ क्वालिफिकेशन थी, जो आपकी पीछे का एक्सपीरियंस था वो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि शादी के बाद आपने सिर्फ अपना एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जो थी और जो आपका एक्सपीरियंस था उसको वेस्ट करना है तो फिर आप कीजिए, बट मेरे हिसाब से
आपको एक घर की लेडीज़ की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है सोर्स ऑफ इनकम की जितनी एक घर के हस्बैंड की बनती है, क्योंकि आपके पास भी क्वालिफिकेशन है, आप कीजिए घर बैठे बैठे भी काम, घर के बाहर रहती है काम कीजिए। तो थोड़ा सा आप भी सोचिएगा इस बारे में कि हम क्यों जा रहे हैं। और आजकल मैंने देखा है कोरोना के टाइम पे हम सब लोग बोल रहे हैं कि सादा जीवन है, हम बाहर से खाना नहीं मंगवा पा रहे किसी भी साइट से। काफ़ी लोग हम कह रहे हैं भाई सादा जीवन है, दाल रोटी चावल खा रहे हैं, अपना घर चल रहा है बहुत अच्छे। हम लोगों को हेल्दीनेस फील हो रही है कि हम लोगों को लग रहा है कि नहीं यार हमारी बॉडी वेट भी कम हो रहा है, हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार सादा जीवन है। तो इसको ना फॉलो आफ्टर कोरोना के बाद ही फॉलो कीजिएगा। मेक श्योर कि जो चीज़ जो आप लाइफ साइकिल कोरोना के टाइम पर बिता रहे हो खाने पीने का, रहन सहन का, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का, मेक श्योर कि वो चीज़ ना आप कोरोना के बाद भी यूज़ कीजिएगा। कि ऐसा ना हो कोरोना ख़त्म हो जाए, कोरोना सब चला गया और उसके बाद अगेन हम लोग फिर वही बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, बाहर से खाना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, अरे नहीं आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर से मंगवाते। बाहर से मंगवाइए, चेंजेस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बाहर से मंगवाइए, मना नहीं कर रहा, बट एक लिमिटेड में मंगवाइए, क्योंकि अभी भी आपका घर चल रहा है और उसके बाद भी आपका घर चलेगा। दूसरा मैंने एक चीज़ और देखी है कि हम लोगों ने अपने जो घर के खर्चे हैं, मैं अब सब भाई बहनों से बोलूँगा, लेडीज़ से बोलूँगा, उनके हस्बैंड से बोलूँगा, बच्चों को बोलूँगा कि हमारे जो घर के खर्चे, हमने एक चीज़ देखा कि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले हम जब सामान लेने जाते थे तो हम एक पर्ची लेके जाते थे और वो पर्ची लेके हम दुकानदार को देते थे कि अंकल ये सामान हमें तोल दो, हम आ रहे हैं 10 मिनट में, और वापस आके हम उसके पैसे देके वो सामान अपने घर ले जाते थे। आज के डेट में क्या होता है, हम बिना पर्ची के जाते हैं, पहली बात तो ये है। और पर्ची अगर लेके भी जाए तो हम पर्ची लेके जाते हैं 7 आइटम की हम पर्ची लेके जाते हैं, और हम मॉल के अंदर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी बड़े लाइक आउटलेट के अंदर जाते हैं तो हम 7 आइटम को तो इग्नोर कर देते हैं, पर उसके अलावा 70 आइटम और ले आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो, क्योंकि होता क्या है कि इट इज़ वेरी ह्यूमन नेचर है ये हमारे तरीके का, कि आप लेने के जाते हो, लेके गया तो ये सब आप लोगों को पता होगा, अपनी गलती पता है, फिर भी आप वही गलती करते हो। रीज़न क्या होता है कि पहले हम दुकान के बाहर खड़े थे, आज हम दुकान के अंदर आ गए, तो जब हम दुकान के अंदर आ गए तो दुकानदार ने, शॉपकीपर्स ने, बट ऑब्वियस डिस्प्ले में चीज़ें लगा रखी है, वो आपके खाने पीने के लिए है। बट ये देख लीजिए कि आप 7 की जगह 70 लीजिए कोई फ़ायदा नहीं, पर 70 को यूज़ कीजिए, 70 को यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि आप जो आइटम्स लेके आते हैं उसमें से 30% से 20% आइटम आपकी वेस्ट हो जाती है, जो आप नहीं खाते, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, जो ख़राब हो जाती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम ब्रेड का लेने गए तो हम ब्रेड लेने जा रहे हैं तो हम एक तरह के ओट्स ब्रेड ले आए, गार्लिक ब्रेड ले आए, जो हमने 2 हफ्ते तक नहीं, हमें टेस्ट पसंद नहीं आया, तो हमने 50-70-80 रुपीज़ वेस्ट कर दिए। 80 रुपीज़ सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर 80 रुपीज़ की वैल्यू बहुत होती है। 80 रुपीज़ अगर आप इस कोरोना के टाइम पे आपको 80 रुपीज़ की वैल्यू पता लगेगी, तो मेक श्योर कि ये चीज़ भी आप सोच के चलिएगा कि हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं मार्केट में, चाहे वो आप कपड़े लेने जा रहे हो, चाहे वो आप फिर अपना खाना लेने जा रहे हो, चाहे वो अपना राशन लेने जा रहे हो, चाहे वो आप अपना मोबाइल लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, कि हर चीज़ का एक बजट फिक्स करके चलिए। मैंने कई बार देखा है कि एक किसी ने मोबाइल लेना है तो वो शॉप पे जाता है, ऑनलाइन तो खैर नहीं बोलूँगा मैं, ऑनलाइन तो मैं सपोर्ट नहीं करता, फिर अलग बात है, शॉप पे जा रहा है तो शॉप पे अपना बजट लेके गया 15,000, दुकानदार आपको दिखाएगा 17,000 की चीज़, 18,000 की चीज़, फीचर्स भी अच्छे होंगे बट ऑब्वियस 15 और 18 के फीचर्स भी अच्छे होंगे, बट अगर आपका 15,000 का बजट है तो मेक इट ऑन 15,000, आप उस बजट पे रुकिए, या पहले से अपने ब्रांड सेलेक्ट करके जाइए, वहाँ जाके मत सोचिए कि मेरे को ये भी ले लो ये भी ले लो, क्योंकि होता क्या है फिर आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल के साथ उसका कवर लेते हो, फिर उसको लैमिनेट कराते हो, फिर उसको आप हैंड्स फ्री लेते हो, फिर उसका चार्जर लेते हो, फिर दुकानदार आपको बोलता है इसका पावर बैंक ले लो, पावर बैंक भी लेते हो, फिर आप उसको दुकानदार आपको इसका कवर एक्स्ट्रा स्क्रीन गार्ड बेचता है। तो बेसिकली मैं आपको लेने के लिए मना नहीं कर रहा, बट आप खुद देखिए कि आप लेके गए थे 15,000 का बजट और आप खर्च के आए हो 19-20 हज़ार रुपये, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास पैसा पड़ा है। तो अगर आप 15,000 के बजट में 15,000 का ही सामान लाएंगे तो आपके पास 4,000 रुपये बचते हैं, और वो 4,000 रुपये आपके पूरे वक्त में आप ही के साथ आएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे कहने का सिर्फ एक छोटा सा मतलब है कि आप सेविंग कीजिए, आपकी जो इनकम है वो आपके प्रेजेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए होनी चाहिए, इस तरीके से सेविंग कीजिए। आप कभी भी सोच लीजिए कि वक्त कभी भी हमें, भगवान हमें फिर से पॉज कर सकता है, तो क्या हमारे पास इतने पैसे हैं, सफिशिएंट पैसे हैं कि हम अपनी सेविंग करें। तो मेक श्योर आपको 4 लोगों घर में, 5 लोगों, 3 लोगों, मेक श्योर बड़े बुजुर्गों की बात माने, डिस्कस कीजिए कि कैसे हम अपने हाउस होल्ड बजट बनाइए कि इससे ज़्यादा खर्चा हमें नहीं करना, अपने ऑफिस का बजट बनाइए इससे ज़्यादा खर्चा हमें नहीं करना। मेक श्योर कि अगर आप बजट से नीचे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली, आप हर चीज़ का बजट बना के चलिए। मैंने कई सारे ऐसे अपने ट्रैवल के भाई बहनों को देखा है जो ऑफिस खोलते हैं, ऑफिस को सीधा एकदम लैविश बना देते हैं, पर
बिजनेस भी उस हिसाब से होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप लैविश मत बनाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी है कि आप वो खर्चे पूरे कर लो तो बनाइए। कई बार मैंने ऐसे देखा किसी एक ट्रैवल कंपनी ने किसी महीने 3 लाख रुपये कमाए, अगले महीने 3 लाख रुपये कमाए, फिर 3 लाख रुपये कमाए, तो वो अपने खर्चे 3 लाख के पाल लेता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप चौथे महीने भी 3 लाख कमाए, पाँचवें महीने भी 3 लाख रुपये कमाए। तो मेक श्योर जो आपने साल के पहले बजट में बनाया रखा है उसी बजट को फॉलो कीजिए। एक बुकिंग या कोई एक महीने से या 2 महीने की इनकम से कोई भी भाई बहन, एक महीना बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, एक महीना या 2 महीने की इनकम से अपनी पूरी जिंदगी नहीं चला सकता। जरूरी नहीं है कि वो एक महीना या 2 महीने की अच्छी इनकम आपकी पूरे साल चले। तो इस चीज़ को प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिए कि जो आपके अपने पॉइंट्स है कि आपको जो लगता है कि घर के लिए चीज़ ज़रूरत है वही लाइए, घर के बगैर नहीं लाइए। सादा जीवन जीजिए, सेविंग पे थोड़ा फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा फोकस कीजिए, रादर देन एक्सपेंसेस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप किसी शॉप में जाते हो, सामान लेने जाते हो, आप सामान लेके आइए, मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप कम पैसों का सामान लीजिए, मैं कह रहा हूँ पर जो सामान लेने जा रहा हो खाली वही लेके आइए, उसके अलावा कुछ मत लेके जाइए। हर चीज़ का एक बजट फिक्स कीजिए, हर चीज़ का एक बजट होता है आज की डेट में, हर चीज़ का एक प्राइस है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आपको किसी भी रेट में मिल जाएगी। चावल का भी एक रेट होता है 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। आटे का भी रेट होता है और आपके एक चेयर का भी रेट होता है, पेन का भी रेट होता है, मोबाइल का भी रेट होता है। तो सबके रेट आपको पता है, आज के रेट में सबके रेट है। आप अपना बजट बना के जाइए कि ये मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा है, इतना मैं खर्च करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सिर्फ यही पर्पस है कि प्लीज़ कोरोना को आप ये देखिए, कोरोना ने आपको इफेक्ट क्यों किया है। अगर जो आपको पॉइंट्स लगते हैं जैसे कि हाँ मैंने 12-15 पॉइंट्स बोले हैं, सारे के सारे आपके लिए यूज लागू नहीं होते। जो उन सा पॉइंट आपको अपनी ज़िंदगी के लिए लगता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बस वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि दो आदमी है, टेक एन एग्जांपल, दो आदमी है, एक के बैंक में 3 लाख रुपये पड़ा है और एक के बैंक में 25 लाख रुपये पड़ा है। दोनों का नज़रिया कोरोना के लिए अलग है। 3 लाख वाला सोच रहा है कि जल्दी कोरोना खत्म हो, मैं अपनी इनकम पे करने जाऊँ, सोर्स पे इनकम जाऊँ, जॉब पे जाऊँ या बिजनेस पे जाऊँ। 25 लाख वाला आदमी ये सोच रहा है कि भैया कोरोना जब तक खत्म नहीं होता मैं घर पे बैठा हूँ, जान है तो जहान है। दोनों एक ही इंसान है, इंसान है दोनों, दोनों की जान है और दोनों की मेंटेलिटी कोरोना के लिए लगे, क्योंकि एक के पास पैसा है तो वो ये बोल रहा है कि भैया जब तक कोरोना है मैं घर से बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जान है तो जहान है। और एक ये कह रहा है कि कोरोना खत्म हो तो मैं बाहर निकलूँ, मेरी सोसाइटी सील है तो मैं बाहर निकलूँ, जैसी क्वारंटाइन खत्म हो तो मैं बाहर निकलूँ ताकि मैं अपने ऑफिस जा सकूँ, ताकि मैं कुछ कमा सकूँ। तो मेक श्योर जब वक्त है तब कमाओ अपने लिए, तो जो कमाया है उसको बेकार में मत खर्चा करो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और बस मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ व्यूज़ है या आप कुछ चाहते हैं कि इसमें है तो मैं अपनी ईमेल आईडी अब नीचे लिंक में शेयर करूँगा। प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे लिख के दीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर बनाऊँ, या आप इसी वीडियो में कुछ मेरे, क्योंकि मैं भी कोई कंप्लीट नहीं हूँ कि मैं तब बिल्कुल मेरी बात ठीक होगी, तो आपको जो लगता है कि उस पर प्लीज़ मुझे बताइए, या आप मुझे कुछ तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।